नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है खुशहाल सोम गार्डनिंग में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अपने मोगरे के पौधे की। दोस्तों, काफ़ी लोगों के घर में मोगरे का पौधा होता है, बट उनके घर में जो मोगरे का पौधा होता है उसमें फ्लावर नहीं आते हैं। और ये देखिए मेरे पास कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं मेरे पौधे पर। और ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है, छोटा सा ही पौधा है, छोटा ही प्लांट है। तो ये किस तरीके से मेरे इस पे फ्लावर आए हैं, किस तरीके से मैंने क्या किया जो इतने इस पे घने फ्लावर आने लगे, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां आ रही हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉट की। तो दोस्तों, मेरा जो पॉट का साइज है दिखा देता हूँ, वो मेरा 12 इंची का पॉट है, अगर आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो पॉट लेना है वो 12 इंची का पॉट लेना है अपने पौधे के लिए। जो भी आप चुनाव करोगे, चयन करोगे, वो आपका जो पॉट का जो साइज होना चाहिए वो 12 इंची तक होना चाहिए, ठीक है। आप 10 इंच भी ले सकते हैं, पर 10 इंच के हिसाब से फिर वो पौधा होना चाहिए। पर अगर आप 12 इंची का पौधा लेते हो तो उसमें साइज आराम से पौधा अपना आप आराम से ग्रो करता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं मैंने इसको क्या किया कि ये पौधा इतना हष्ट पुष्ट, इतने अच्छे से फूल दे रहा, फ्लावर्स दे रहा है। तो देखिये, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम सोइल की। तो दोस्तों, मोगरे के पौधे की सोइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि इसकी सोइल के लिए आपको जो सोइल लेनी है वो कोशिश करें कि वो बिल्कुल पौष्टिक हो, मतलब बिल्कुल उसमें ताकत बहुत ज़्यादा हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो खेत की मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आसपास खेत है या गार्डन है तो वहाँ की सोइल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिसको हम गार्डन सोइल कह देते हैं। तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में आप पौधे लगाते हो, कोई गमले में मिट्टी है, सोइल है, काफ़ी दिन से इसमें पौधा नहीं लगाया है, आप उस सोइल को भी यूज़ कर सकते हैं। उस सोइल को आप यूज़ इसलिए कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप सोइल को काफ़ी दिन तक अगर किसी गमले में मिट्टी रखी हुई है तो उस पर धूप पड़ने से जो भी उसके बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जो ख़राब बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सोइल अच्छी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई सोइल नहीं है, गार्डन सोइल नहीं है या फिर आपके इधर कोई खेत वाली सोइल नहीं है, तो आप नॉर्मल सोइल का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सोइल में क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल सोइल लेनी है और उसके अंदर आपको गाय के गोबर की खाद मिलानी है, उसको मिक्स कर लेना है, और थोड़ी सी नीम की खली लेनी है, ठीक है। तो अगर आप मैं इसको परसेंट में बताऊं तो आपके परसेंटेज के हिसाब से 70% आपकी सोइल होनी चाहिए नॉर्मल सोइल, 20% आपका गाय के गोबर की खाद होनी चाहिए और 10% आपका नीम की खली होनी चाहिए। इन सब चीज़ को मिला लीजिए तो आपकी 100% जो सोइल बनेगी बहुत अच्छी सोइल बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आप अपना मोगरे का पौधा ले लीजिए। मोगरे में भी काफ़ी सारी वैरायटी आती है, तो वो आपको ऊपर होता है कि कौन सी आप वैरायटी लेना चाहते हो। तो ये देखिए, तो मेरा जो मोगरा है इस पर देखिए कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना दोस्तों, जब आप मोगरे का पौधा लेके आ जाते हो, आपके घर में जैसे मोगरा लगा हुआ है, तो मैं दोनों के लिए बात करता हूँ। अगर आपके घर में मोगरे का पौधा लगा हुआ है और मोगरे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसकी आप कटाई छटाई कीजिए, प्रूनिंग कीजिए ऊपर से। और जब तक आप कटिंग नहीं करोगे इनकी, तब तक ये फ्लावर नहीं देता है, क्योंकि मोगरा का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि फूल ना देने का, क्योंकि मोगरा जो फूल देता है वो नई टहनियों पे ही देता है, नई शाखाओं पे ही देता है। तो आपको जब तक कटिंग नहीं करोगे तो फूल तो आने वाले ही नहीं है। तो जब तक आप कटिंग नहीं करोगे तो फूल नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इसमें कटिंग करता रहता हूँ तो फूल आते रहते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये टूट गया यहाँ से, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको जो आपका कटर होता है उससे कट कर लीजिए, या फिर आप कैंची से, सीजर से भी कट कर सकते हैं इसको। इस तरीके से इसकी प्रूनिंग करते रहिए। जैसे ये देखिए, अब ये जो है इसके अंदर कभी फ्लावर नहीं आएगा, ये हो गया या ये हो गया, इनमें फ्लावर नहीं आते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, ये लंबे लंबे बढ़ते रहते हैं। तो इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कट कर सकते हो। कट करने के बाद इसमें से जो और शाखाएं निकल जाएंगी उसमें फ्लावर आ जाएंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा बढ़ता रहेगा। अभी देखिए कितना घना होता जा रहा है, और घने होने से क्या होता है, इसमें ज़्यादा फूल आते हैं, क्योंकि इसको आपको बूशी बनाना है, मतलब आपको उसको काफ़ी, इसको मतलब कह सकते हैं एक एक आकार देना है एक पेड़ की तरह, कि हरा भरा हरा भरा, बिल्कुल भरा भरा सा दिखना चाहिए, कि बिल्कुल इसमें कि ये नहीं लगना चाहिए एक ही पौधा है। इसमें से आपके पास 3 या 4 पौधे हैं, ये देख सकते हो। इसमें एक एक अलग अलग आप टहनियाँ देख सकते हैं इसकी, सबकी अलग अलग है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों। और दूसरा, जो जैस्मिन का पौधा होता है, ये मोगरे का पौधा होता है, इनमें क्या करना होता है, इनकी जो सोइल होती है हमेशा नमी रहनी चाहिए सोइल में। ये देख रहे हैं ना, मेरे इस पौधे में नमी रहनी चाहिए। अब नमी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप कीचड़ कर दो उसके अंदर, नमी का मतलब होता है दोस्तों बस वो नमी ही रहे, मतलब गीली रहे, बिल्कुल कीचड़ सा ना हो,
ठीक है, ये रहे कि हाँ पौधा बहुत खुश है। पौधे से ना बात करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर आप पौधों से बात करने शुरू कर चुके हैं तो आपके जो पौधे हैं आपकी चीज़ों को समझने लग जाएंगे, आप भी उनकी बातों को समझने लग जाएंगे कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, समय समय पर इसको DAP दे दीजिए। DAP देने से फ़ायदा हो जाता है कि दोस्तों जो सोइल में होती है, सोइल में थोड़ी ताकत आ जाती है, वो भी एक खाद का रूप होता है, खाद ही होती है DAP भी। और एक फूलों के लिए NPK होता है दोस्तों, आप 19-19-19 NPK का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में NPK या तो आप सोइल में डाल दीजिए साइड में, एक चुटकी साइड के अंदर, बिल्कुल साइड में जड़ से थोड़ा सा दूर, या फिर दोस्तों आप उसको वाटर में मिला के, 1 लीटर के वाटर में एक चुटकी NPK मिला के इसको डाल दीजिए। जब आपको जब सोइल बिल्कुल सूख जाए तब दे सकते हैं। तब उसमें क्या होगा, इनके फ्लावरों के लिए बहुत अच्छा होता है NPK दोस्तों। तो NPK 19-19-19 लोगे तो उसकी मात्रा बराबर होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसी तरीके से मेरे पास मोगरे काफ़ी सारे हैं जिन पे मेरे इस तरीके से फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, एक ये मोगरा आपने देख लिया, एक मोगरा ये है, ये बिल्कुल छोटा सा है अगर आप देख पा रहे हैं, और अभी इसका कोई साइज नहीं है ज़्यादा बड़ा, बिल्कुल छोटा है। तो इस पर भी मेरे फ्लावर आए थे और अभी नहीं आ रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके ऊपर कोई फ्लावर आने की जगह ही नहीं बची, तो फ्लावर कहाँ से आएगा आप सोचिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से कट करना होगा, फिर ऐसे ही यहाँ से कट करना होगा। तो आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि फ्लावर कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कभी पहले को भी कट किया होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ये उग के आ रहा है, ठीक है। आगे की तरफ टहनी बढ़ रही है, इसमें देखो फ्लावर एक का बड बन रहा है कि इसमें फ्लावर आने वाला होगा, जैसे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो छोटा सा बड बनने शुरू हो गया है। तो इस तरीके से तक आप नहीं करोगे, प्रूनिंग नहीं करोगे इन पौधों की, तो फ्लावर नहीं आएंगे। और ये मॉनसून टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम होता है रेनी टाइम, जिसमें आप फ्लावर ले सकते हैं, ये देखिए। और शायद इसके अंदर कोई पौधा, जंगली पौधा हो गया, ये शायद तुलसी तो नहीं है, चलिए बाद में देखेंगे इसको क्या है। ये इसको हटा ही देते हैं, ये सही नहीं है, ऐसे साथ में रहना इसका। ये तुलसी भी नहीं है दोस्तों, ये कोई ऐसे ही जंगली पौधा है, ये देखिए। तो इसी तरह के दोस्तों मैं अपने पौधों का ध्यान रखता हूँ, समय समय पर प्रूनिंग करता रहता हूँ इन पौधों की, और इससे क्या होता है मेरे जो पौधे होते हैं इन पर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको फ्लावर चाहिए तो फ्लावर का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रूनिंग कीजिए, पुराने फूल हटाते रहिए, पुराने फूल हटाइए। और ये मत सोचिए कि मेरे इसमें अगर मैं फूल हटा दूंगा तो फ्लावर कैसे आएंगे या फिर अच्छा नहीं लगेगा पौधा, नहीं। पौधे में जब ताकत नहीं रहेगी, पौधे में शक्ति या ताकत जब ही आती दोस्तों, जब तो इनको समय समय पर आप खाना दीजिए। खाने में डायरेक्ट पानी का मतलब खाना नहीं होता, उसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास, DAP NPK कुछ भी नहीं है ना दोस्तों, आप समय समय पर इसको खाद दे दीजिए, हर दूसरे तीसरे महीने में एक अच्छी खाद दे दीजिए, सूखी हुई गाय के गोबर की, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप इसका खाना बना सकते हैं, नीम की खली दे सकते हैं। नीम की खली दोस्तों एक तरीके से क्या होता है, जो आपकी सोइल होती है उसको अच्छा करती है, वो उसमें कीड़े नहीं लगने देती है, दीमक नहीं लगने देती है, मतलब जो भी बीमारी हो सकती है उस बीमारी से नीम की खली बचा लेती है। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नई वीडियो के साथ किसी